रविवार को मुंबई मैराथन के दौरान वर्ली सीफेस दौड़ाने वाले अनिल देशमुख को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक मुख्यमंत्री को मामले में दखल देकर देशमुख के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बॉलीवुड के सितारे भी देशमुख को गलत ठहरा रहे हैं। नेतागिरी की ताकत में अंधे अनिल देशमुख ने मैराथन के दौरान मुंबई के वर्ली सीफेस पर जमकर गाड़ी दौड़ाई। हालांकि पुलिस ने तो उन्हें नहीं पकड़ा, लेकिन विपक्ष ने देशमुख को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले पर चुप्पी साधे देशमुख मुंबई से बाहर चले गए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रूल ब्रेक करना बहुत ही मन को संतोष देने वाली बात नहीं है, और मैं मानता हूं कि जिन अधिकारियों ने इस विषय में लापरवाही बरती है उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है, मंत्री पर तो होनी ही चाहिए। उधर अपने ही मंत्रिमंडल के नेता को फंसता देख मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हर छोटी चीज को मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, जब तक मैं पूरी जानकारी, मैं तो कल मुंबई में नहीं था, मैं कहीं बाहर गांव गया था, पर क्या सच्चाई पूछ लेंगे इसमें क्या। मुख्यमंत्री साहब के बयान से तो नहीं लगता कि वो देशमुख पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिल्मी सितारे भी देशमुख के इस कदम से बेहद नाराज दिख रहे हैं। Yeah, I mean ideally if there are restrictions, I think it should apply to everybody. I think everybody should follow the rule. कानून सबके लिए बराबर है, जी हाँ, ये बात एकदम सच है, जब तक ये किताबों में रहे। किताबों के बाहर तो कानून सिर्फ आम आदमी पर ही लागू होता है, और अगर आप राजनेता हैं, तो आपके लिए तो हर रास्ते खुले हैं। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ अभिषेक चौधरी, मुंबई आज तक।